हेलो हाँ हेलो अनिल, अभी आपसे एडवोकेट बोल रहे हैं दीदी। हाँ दीदी प्रणाम, बताएं। ये बताइए क्या चाहते हैं कि ये आत्महत्या कर ले मान कुमारी साहब? ये दीदी ये मिट्टी मिट्टी का तेल लेके डीएम कार्यालय जा रही है, यहाँ पे मिट्टी का तेल मट्टी के तेल नहीं, एका और कहूँ भेज दे दीदी, एका और कहूँ भेज दे, इतना पुलिस गलत न कह पाई। इतना पुलिस गलत न कह पाई, एका आप और कहूँ भेज दे, डीएम साहब किया नहीं, एका कहूँ और भेज दे। अब पर्सनल आप जो कर रहे हैं तमाशा, पैसा लेके वहाँ दीवार बनवा दे। पैसा आपने दिया है, आपने दिया है या भिजवाया है? पैसा जिससे आपने लेके, आपने पैसा दिया है या भिजवाया है? आपके द्वारा कोई पुष्टि है पैसा लेने की, मुझे देने की? हाँ पुष्टि हुई है, तभी तो बता रहे हैं ना। तो चलिए पुष्टि कर लीजिएगा, इसको कहीं और भेज दीजिए। और डीएम इसको करवा रहे हैं, मैं जरूर तमाशा कराऊंगा, मैं जरूर तमाशा कराऊंगा। तमाशा आप करवा सकती हैं, मैं नहीं करवा सकता हूँ। आप हमसे गलत नहीं करवा पाएंगे दीदी, सही करवाने के लिए खून निकाल लीजिएगा, गलत नहीं करवा पाएंगी। नहीं, मुझसे दबाव मत डालिएगा दीदी, सही काम के लिए बताइएगा तो खून दे दूंगा, गलत काम के लिए मैं आपको कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने सुन लीजिए, अभी ये जो आप वहाँ पर दबंगई करवा रहे हैं, गोली चलवाने जा रहे हैं, ठीक है? गोली वहाँ कौन चलवाएगा? गोली आप चलवाइए और हमसे। दीदी ऐसा है, दीदी दीदी आप और उच्च अधिकारियों से बात करिए, इंस्पेक्टर से बात करिए। संजय की संजय की आंख दिखा रही है क्या आप? संजय वहाँ बैठी महाभारत देख रही हैं आप? हम देख रहे, तभी पता रहे वहाँ पर दीवार क्यों बन रही है, हम जान रहे हैं ना, जानना चाह रहे हैं। दीवार जिसकी जमीन है वो अपनी जमीन में बनाएगा, इनकी जमीन में नहीं बनाएगा। बताइए 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 दीदी बताइए। गुंडे नहीं हो तुम? हम गुंडे नहीं हैं। मत करो तुम, पुलिस पुलिस असहाय, पुलिस 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 असहाय लोगों के लिए बनी है। पुलिस 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 डिपार्टमेंट की स्थापना असहाय लोगों। बदतमीजी मत करिएगा मुझसे, बदतमीजी मत करिएगा, नहीं वहीं आ जाऊंगा घर पे। बदतमीजी मत करिएगा, बदतमीजी मत करिएगा, नहीं वहीं घर पे आ जाऊंगा आपके। अरे आइए भाई, आइए आपसे बात करना, आप आइए। वीडियो भाई साहब, एक वीडियो जो वायरल हुआ है, एक ये मामला मांचीरो थाने का 376 का, उस महिला के साथ गैंग रेप हुआ था, 9 महीने हो गया कोर्ट से आदेश हुए और आज तक अभय मिश्रा द्वारा ना तो उसका बयान कराया गया और ना ही उसकी डाक्टरी कराई गई। जब जब महिला जाती तो उसको गाली, इतनी भद्दी भद्दी गाली दे के उसको थाने से भगा देते। उसके बाद अभी परसों नर्सों सैटरडे को गई पुलिस, इसके घर में खूब तांडव किया, इसको मारा पीटा, उसके बाद अभद्रता किया। ये वहां से फिर महिला उससे कहे 20,000 रुपए दो तो तुम्हारा हम 164 का बयान कराएं। जब उस महिला ने देने से इनकार किया तो ये पुलिस वाला अभय मिश्रा ने उसके साथ अभद्रता किया, उसके घर में तांडव किया, मारपीट किया। वायरल इन्होंने पहले भी किया है, किसी पुलिस मैनुअल में ये नहीं लिखा है कि जो दरोगा या कोई प्रशासनिक अधिकारी से, किसी जनप्रतिनिधि से या किसी सम्मानित अधिवक्ता से या एक गरीब व्यक्ति से बात करने पे स्वयं दरोगा वायरल करे, ये किसी पुलिस मैनुअल में नहीं लिखा है। इससे ये साबित होता है कि स्वयं भ्रष्ट ये दरोगा है और लोगों को से पैसे लूट मार करने की नियत से न्याय इनके द्वारा नहीं मिल सकता। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को गैर जनपद नहीं, सस्पेंड नहीं, बर्खास्त होना चाहिए भाई साहब।